बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। तरुण बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो IDBI बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर है। ये नई सरकार आने पे सबसे पहले यदि किसी बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो वो IDBI बैंक होगा। हाल में उम्मीद ये की जा रही है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो दिसंबर तक उसकी पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस समय RBI जो बिट्स आई थी उसकी जाँच कर रहा है और जाँच में समय लग रहा है। समय लगने का रीज़न भी साफ है क्योंकि RBI ये देखना चाहता है कि जो फंड फ्लो है वो किस तरीके से है। यदि कोई मॉरिशियस या केमेन आइलैंड से पैसा आ रहा है तो वो पैसा किस रूट से आ रहा है, क्या वो रूट सही है, पैसे उस लिहाज से RBI थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन जो उम्मीद ये की जा रही है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए हाई लेवल फाइनेंस मिनिस्ट्री इनफैक्ट PMO तक में इसकी बैठक हुई है और इस बैठक में साफ किया गया है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें देरी ना की जाए और इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। इसके साथ साथ RBI की प्रोसेस के बाद जो बिडर्स हैं वो अपना ड्यू डिलीजेंस करेंगे, उसके लिए उनको 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो सारी प्रोसेस है वो जुलाई अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी और दिसंबर तक इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया जाएगा। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि IDBI बैंक में एक बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि जो बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले दो तीन साल के अंदर काफ़ी अच्छी हुई है। जब से डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है उसके बाद से बैंक की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बैंक्स ने भी एक माइंड मेकअप कर लिया है। इस वजह से जो भी उनके वेंडर्स हैं या जो ब्रांच लेवल पर जो ऑडिटर्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है और यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ सरकार ये बैंक बेचना चाहती है, तो जो नया मैनेजमेंट आएगा वो अपने हिसाब से काम कर सके। इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है उसको भी साल भर से घटाकर 3 महीने कर दिया गया। तो नई सरकार में सबसे पहले ये डिसइन्वेस्टमेंट का यदि काम होगा तो वो IDBI बैंक का। IDBI बैंक में सबसे पहला तरुण पक्का हो जाएगा ना इस बार? बिल्कुल इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है क्योंकि कई सालों से हम सुन रहे लगातार कि अब हो तब हो, अब हो तब हो, लेकिन इस बार तरुण जो इन्फॉर्मेशन लाए इंटरेस्टिंग है। इस साल के अंत तक विनिवेश होने की संभावना है। दीपम की प्राथमिकताओं जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर IDBI बैंक है। अगले महीने तक बिड करने वाली कंपनियों की जांच हो सकती है, जो जो भी इसके लिए बिड करना चाहता हूँ वो देख लेंगे। बिड के बाद 2 महीने ड्यू डिलीजेंस में लगेंगे, उसके बाद इसका डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू होगा जिसमें सरकार और LIC दोनों अपना हिस्सा बेचेगी। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑन टैप होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से कोई बैंक लाइसेंस नए इशू हुए नहीं है, इसलिए बैंक लाइसेंस जिनको बैंक खोलना उनका इंटरेस्ट तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। ये है IDBI बैंक। अभी थोड़े दिन पहले IDBI बैंक मेरे ख्याल से कुणाल जी या राकेश जी या इन दोनों ने ज्वाइंटी, एक तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। पहले तो क्या था कि मैं बोल देता ज्वाइंटी दिया होगा, अब आजकल क्या होता है अब ज्वाइंटी दिया अलग दिया समझ में नहीं आता। तो जनरली कैश के स्टॉक से तो मैं मान के चलता हूँ 10 की कमाई में दिए होंगे। कुणाल जी जरा एक बार अपना बंसल जी जरा अपडेट दें IDBI बैंक। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इन स्तरों पर भी एक अच्छे तरीके से बाय करना चाहिए। डाउनसाइड कैप लगती है, 80 रुपये एक अच्छा सपोर्ट है और टेक्निकली अनिल जी यहाँ पर जो टारगेट्स निकल के सामने आ रहे हैं 117-118 के हैं। और कुणाल जी की भाषा में बोलूं तो कुणाल जी अगर होते तो बोलते कि डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग चैनल से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट है। और अगर मैं बोलता तो मैं बोलता अनिल जी आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न, एक ओवरवेट खरीदारी का कैंडिडेट है, इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और अब तो ब्रेकिंग भी आ